वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में सीताराम यादव ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। सीताराम यादव सीतामढ़ी से राजद के सांसद हैं। इसके अलावा नगीना देवी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता, वर्तमान डिप्टी मेयर मीरा देवी समेत सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान मिलन समारोह में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र को माओवादियों और परिवारवादी पार्टी से खतरा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बीजेपी ने आने वालों का पार्टी में स्वागत किया है। बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने एनडीए पर भरोसा किया है। अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। आज मैं कहना चाहूंगा, स्वागत भाषण करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से आप जहां आए हैं, जिस परिवार में आए हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और यह पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। यह पार्टी एक जमात की पार्टी है और पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप मेरे परिवार में आए हैं। आपको सौभाग्य